हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि टॉपिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तो हमने अपने 11th के जो वीडियो में देखा है वो हमने वेक्टर स्टार्ट किया है। आप देखेंगे कि वेक्टर्स में मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बेसिक वेक्टर्स के क्लैरिटी दी है। सेकेंड वीडियो वेक्टर्स में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि जब तक किसी चीज का बेस फाउंडेशन नहीं होता यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आज हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे इसके, और हमेशा आप न्यूमेरिकल थोड़े स्टार्टिंग बेस क्वेश्चन से करें तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, क्वेश्चन रीड करूंगी और आपको गिवन थिंग्स लिख के बताऊंगी। अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज। आपके पास कोई बॉडी है जिसमें दो वेलोसिटीज उसको ऑलरेडी हमने दे रखी है। एक है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। सबसे पहले तो आप ये बनाना सीख लिए, क्योंकि ये आपको बनाने में हमेशा काम आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डायग्रामेटिकली अगर आप वेक्टर्स में चलेंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। तो 30 मीटर ड्यू ईस्ट अगर हमारी कोई बॉडी है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो हमने ईस्ट लिया है वहां हमें 30 मीटर पर सेकेंड की एक वेलोसिटी क्वेश्चन में बताई हुई है। ओके, एंड 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ हो गया, और यहां हमें वेलोसिटी बताई गई है 40 मीटर पर सेकेंड। दिस टू इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड दिस इज द ओरिजिन। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सी हाउ सिंपल इट इज, बहुत ही सिंपल है। 30 यहां है, नॉर्थ की तरफ 40 है। मैं चाहूं तो एक पैरेललोग्राम बना सकती हूं और कहूं डायगनल विल गिव यू द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो सिंपल। अगर वो डायरेक्शन भी बोलता ना तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते थे कि बीटा है ना। तो अगर हम फाइंड सिर्फ रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला है तो आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि यहां 40 है तो यहां पे भी आपका 40 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर मैं वी निकालना चाहूं तो अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हम इसी में एक चीज और कर सकते थे कि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos θ होना चाहिए। इट्स करेक्ट, होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि दोनों वेक्टर्स आपस में एंगल बना रहे हैं तो कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। और याद रखना है आपको कि cos 90 इज जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर cos 90 जीरो हो गया यानी ये वाला टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एनी हाउ यू कैन से, या तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। तो 40 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 50 मीटर पर सेकेंड। द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ने कहा है या नहीं कहा है हम डायरेक्शन कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना। टैन बीटा इट इज नथिंग बट हाइट अपॉन बेस। हाइट कितने की है, 40 की। बेस कितने का है, 30 का। 0 0 आपका कैंसिल हो गया, यानी यू गॉट 10 बीटा इज इक्वल टू 4/3। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो। दो फोर्सेज हैं, लेट इट बी पी एंड क्यू, ये दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। इनका रेशियो दिया है 3:5 में। ओके, सो इफ आई विल से इट इज 3:5 तो हम क्या कह सकते हैं कि लेट द फर्स्ट फोर्स विल बी 3x एंड द सेकेंड फोर्स विल बी 5x, बिकॉज इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5 एंड दीज टू फोर्सेज आर गिविंग द रिजल्टेंट आर विच इज 35 न्यूटन। सी गिवन जो रहता है वो हमारे सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे बनना है। अब हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि यहां मैंने p और q लिया इसलिए मैं pq के फॉर्म में कह रही हूं। क्वेश्चन आगे कह रहा है इफ द इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स। यानी थीटा भी दिया है 60 डिग्री का, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में था। पी बाय क्यू इज 3:5 गिवन है, जिसे हमने 3x और 5x, यानी मुझे एक्स निकालना है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक फोर्स मिल जाएगी, 5 के साथ करूंगी तो दूसरी। सिंपल वैल्यू पुटिंग है अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 3x स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस 60।
आपको अगर वेक्टर्स पढ़ना है, ये 11th के बच्चे हों या 9th के बच्चे भी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और रेशियो को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, यानी ये 3 इंटू 3 9x स्क्वायर हो गया, ये 25x स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 5 टू ज 10 30x स्क्वायर. करेक्ट, आप इसको सॉल्व करेंगे और cos 60 की वैल्यू पुट अप करेंगे, देन यू विल गेट r विच इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इज ऑल्सो गिवन टू एस ना 35, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के बाहर आपको मिलेगा 7x. तो r दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू 7x, तो x आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 बाय 7 यानी 5. अगर आपको x मिल गया है तो मुझे p एंड q दोनों मिल सकता है, p हुआ 5 3 15 न्यूटन एंड q हुआ 5 5 25 न्यूटन, तो आपको p की वैल्यू मिल जाती है 15 एंड q की वैल्यू मिल जाती है 5 5 25 न्यूटन. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए. देखिए मैंने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इसलिए आपको चार्ट दिखाने की कोशिश की है. जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ना कि आपको cos 60 याद होनी चाहिए, तो cos 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ दी हुई है. आप इस चार्ट को बनाइए और बाय हार्ट करिए, क्योंकि 11th में एटलीस्ट 135 डिग्री तक भी आप याद करेंगे तो बहुत है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, ये बहुत बेसिक है आपके जो आपको याद रखना है. आप और भी आगे याद कर सकते हैं, आपको आगे याद करने के लिए और कौन कौन से एंगल है, 150 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 है एंड 360 है. आपको ये पूरा टेबल आप इजीली बनाइए अपनी कॉपी में एंड ट्राई टू बाय हार्ट दिस टेबल. अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता है देन इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज इज गिवन. ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, यानी दो फोर्स अगर ग्रेटेस्ट, मान लीजिए मैं पी एंड क्यू आपकी दो फोर्सेज अज्यूम करती हूं और ये दो फोर्सेज सबसे ग्रेटेस्ट लगाएंगी, मतलब ये पी प्लस क्यू होंगी, दोनों एड हो जाएंगी, और अगर ये लीस्ट बोले तो पी माइनस क्यू होगा. यही दो ऑप्शन है हमारे पास. तो क्वेश्चन ने कहा है कि ग्रेटेस्ट is given 29 newton and the least is given 5 newton. It was given in the question ki greatest and the least resultant of the two forces is given to you. If both the forces are increased by 3 newton, agar ye dono forces ko hum 3 newton se increase karte hain, so the new resultant forces, we have to find the new resultant forces which are acting at 90 degree to ईच अदर. मतलब पहले मुझे पी निकालना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है. देखिए आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, इन दोनों से पहले मुझे दोनों फोर्सेस निकालनी है. जब मुझे दोनों फोर्सेस पता चल जाएंगी तो मुझे प्लस थ्री करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस क्या हुई है, प्लस थ्री इंक्रीज हुई है. और फिर जब उनमें राइट एंगल है, यानी थीटा 90 डिग्री है, और लेट अस अज्यूम दैट न्यू फोर्सेस जो होंगी वो हम स्मॉल या हम पी डैश एंड क्यू डैश कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 90 डिग्री है तो डेफिनेटली cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं p डैश स्क्वायर प्लस q डैश स्क्वायर. लेकिन पहले मुझे p डैश q डैश को फाइंड आउट करने के लिए PQ फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को मान लीजिए ऐड कर देती हूँ, तो LHS को जो है वो LHS के साथ ऐड करूंगी, यानी 29 प्लस 5 हो जाएगा आपका, है ना, और यहाँ Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो 2P इज इक्वल टू 25 प्लस इज 34, तो आपका P कितना आया, इट इज 17 न्यूटन. करेक्ट, 34 बाय 2 कर देंगे आप. अगर P आपका आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए तो यू विल गेट द सेकेंड वन. और सॉल्व करती हूँ अगर मैं, तो P की जगह 17 माइनस क्यू इज इक्वल टू 5 करती हूँ, तो 17 माइनस 5 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा एंड क्यू इज इक्वल टू 12 न्यूटन. सो आई हैव गॉट बोथ द फोर्सेस, पी 17 एंड क्यू इज 12.
करेक्ट। अब मैंने कहा कि जो पी डैश और क्यू डैश है, उस पी डैश को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पी प्लस थ्री करना है, और क्यू डैश के लिए कह रहा है क्यू प्लस थ्री करना है। तो यानी पी डैश की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 17 प्लस 3 20 न्यूटन, एंड क्यू डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 12 प्लस 3 15 न्यूटन। करेक्ट, ये दोनों फोर्सेस मुझे मिल गई। आई हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिख रखा है, जब थीटा 90 डिग्री है। सो व्हाट विल बी आर, आर इज अंडर रूट 20 द होल स्क्वायर प्लस 15 द होल स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट आर इज इक्वल टू 25 न्यूटन। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 625, एंड 625 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि यू आर हैविंग अ मोटर बोट विच इज रेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। अगेन द डायरेक्शनल थिंग्स आर गिवन टू यू। जैसे उसने डायरेक्शन की बात करी है क्वेश्चन ने, हम सबसे पहले यही बनाएंगे, एंड दिस इज नॉर्थ, दिस साइड योर साउथ, दिस साइड योर ईस्ट, एंड दिस साइड योर वेस्ट, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम सबसे पहले बना लेंगे। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। इस साइड पे आपकी मोटर बोट जा रही है, एंड द वॉटर करेंट इन दैट रीजन इज 100 किलोमीटर पर आवर। वॉटर करेंट का मतलब जो आपका बहाव है पानी का, वो आपका 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है। तो हम चाहे तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं ना कि यू आर हैविंग अ मोटर बोट, मतलब हम क्या ले सकते हैं, बी ले लेते हैं मोटर बोट का, तो वो दिया है 25 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। और अगर हम वॉटर करेंट की बात कहें तो वॉटर करेंट जो हमें दिया हुआ है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। और ये वॉटर करेंट जो है वो कहाँ लग रहा है, वॉटर करेंट इज इन द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सी, ट्राई टू लिसन द क्वेश्चन, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। इसका मतलब ये है कि जो ये वॉटर करेंट की वेलोसिटी है वो ईस्ट ऑफ साउथ से 60 डिग्री बनाना चाहिए। यानी आपका जो साउथ है, ईस्ट ऑफ साउथ ना, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये होता है कि जो आप एरो बनाएंगे वो यहां 60 डिग्री बनाएगा। यानी ईस्ट है जो साउथ का, वो 60 डिग्री के साथ बनाने की बोल रहा है। सो अब अगर ये देखिए ध्यान में, यहां आपका जो, अगर मैं वेक्टर कहती हूँ वी बी है, तो ये वेक्टर वी सी है जो 60 जो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लग रहा है। तो मुझे अगर रिजल्टेंट, वो कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, और आपस में ये कितना एंगल बनाएंगे। देखिए अगर नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेट लाइन में देखूं तो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री में 60 डिग्री ये बना चुका है, यानी बचेगा कितना, यहाँ 120 डिग्री बचेगा। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया तो यू विल एबल टू डू। एंड वी ओनली नो आइदर ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो अब ये ट्रायंगल तो नहीं बना सकेगा ना, लेकिन हाँ वीसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इधर एक ड्रॉ कर सकते हैं वीसी, और एसी के हिसाब से हम यहाँ एक ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स आई कैन कम्प्लीट अ पैरेललोग्राम। और अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, देन हु विल गिव यू द रिजल्टेंट, द डायगनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। करेक्ट। तो ये जो डायगनल हम बनाएंगे वो रिजल्टेंट देगा हमको वी। आपका ये जो VC है वो आपका VC इधर डिनोट होगा, ये जो 25 है वो इस तरफ 25 हो जाएगा। पर रूल तो हमको सिर्फ एक सिंपल लगा देना है रिजल्टेंट का। व्हाट द रिजल्टेंट आर इज सेइंग, अंडर रूट 25 का स्क्वायर, करेक्ट, जो हमारा बोट की वेलोसिटी थी, प्लस 10 का स्क्वायर जो वॉटर करंट की थी, प्लस 2 × 25 × 10 × 9 एंगल इज कॉस ऑफ 120। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें वेक्टर के बीच का एंगल लेना है और वो 120 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो कॉस 120 जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ना, आप उसको बना के याद करिए। कॉस 120 माइनस हाफ होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 25 × 2 × 10, यहां 25 का स्क्वायर, यहां 10 का स्क्वायर, और कॉस 120 को माइनस हाफ कर देंगे तो प्लस माइनस यहां माइनस हो जाएगा। तो द आर आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 21.8 किलोमीटर पर आवर।
ओके सो क्वेश्चन ने अगर आपको सिर्फ रिजल्टेंट कहा है तो आप ये निकाल सकते हैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द बोट. अगर वो डायरेक्शन कहता तब भी डायरेक्शन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टैन बीटा का लगाना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज वी सी साइन 120 बाय वी बी प्लस वी सी कॉस 120, है ना, वो आपको टैन बीटा देगा. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है देन आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन ईजली बन जाएंगे एंड यू शुड प्रैक्टिस इट. अ बॉय ट्रेवल 10 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय. आप बनाइए वो चार्ट और बॉय की जो ट्रैवलिंग स्पीड है दोनों तरफ, सॉरी डिस्टेंस है, वो 10 मीटर और 7 मीटर बनाइए नॉर्थ एंड ईस्ट एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. ट्राई इट एंड इफ यू आर हैविंग इन डाउट प्लीज आस्क मी. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, सो सिंपल, यू हैव टू फाइंड थीटा ओनली, टू पी, वन फोर्स इज गिवन, सेकेंड फोर्स इज गिवन एंड द रिजल्टेंट बिटवीन देम इज गिवन. यू हैव टू फाइंड थीटा ओनली एंड ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी. One more question we can discuss, and the question is saying that resultant vector of P and Q is R. आपके पास जो दो vectors हैं P and Q, इनका resultant दिया हुआ है R, and on reversing the direction of Q, the resultant is S. मतलब अगर मैं Q की direction reverse कर दूं, that means P and minus of Q, है ना? यही मतलब हुआ ना, इज इक्वल टू गिवन यू एस. वी हैव टू प्रूव इट, शो करना है दैट आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज ट्वाइस ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर. दिस वी हैव टू शो इट. सो हाउ वी कैन डू, मैंने कहा अगर पी एंड क्यू आर है, यानी हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि अगर एक वेक्टर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पी और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू, तो अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो डायगोनल कौन देता है, आर. ये हमारा फर्स्ट केस है, करेक्ट. और पी एंड क्यू के बीच का एंगल है थीटा. अगर मुझे डायरेक्शन रिवर्स करना पड़े, किसका, क्यू का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़े, तो हमारा पी तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है. हाँ, लेकिन क्यू जो ऊपर जा रहा था वो क्यू जो है अब हमारा नीचे आ जाएगा. फिर हम पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो डायगोनल इज गिवन दिस एंड नाउ दिस इज एस. सो कैन यू टेल मी, अगर यहां पे पूरा थीटा बन रहा है तो ये जो क्यू वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस लेती हूं, अगर मैं ये नेगेटिव वाई एक्सिस लेती हूं तो वो पॉजिटिव के साथ कुछ इस तरीके से, सो अज्यूम करने की कोशिश करिए आप कि ये है मान लीजिए 180 डिग्री और ऊपर मैंने कह रखा है कि ये थीटा एंगल है, तो आपका ये बचा हुआ एंगल क्या बनेगा, ऑब्वियस है इट इज 180 माइनस थीटा. यानी इस समय अब हमारा जो दोनों वेक्टर है वो 180 माइनस थीटा बना रहे हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी थीटा बन चुका है ना. तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं पहले इस केस में, तो आर स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, जो मैंने एज यूजुअल अज्यूम किया है. और अगर रिवर्स करके लगाऊं तो एस स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस, इट इज नाउ 180 माइनस थीटा. आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना, अगेन आई विल से इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दैट विल बी माइनस कॉस थीटा. तो आपकी यही इक्वेशन जो है वो माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगी, यानी एस स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा. नाउ दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ऑन रिवर्सिंग दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अगर मैं ये रिवर्सिंग वाला केस जो मैंने आपसे ये कह रखा था पी एन माइनस क्यू, वो अगर मैं डायरेक्ट भी लगा देती तो आई होप आपको यही इक्वेशन मिलती, पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर, माइनस हो जाता टू पी क्यू कॉस थीटा. अब दो इक्वेशन है, अगर हम दोनों को एड करते हैं तो आई थिंक हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर होगा कितना, टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर होगा ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, दैट विल बी कैंसल. सो वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वेक्टर्स में वेक्टर की कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस करूंगी. थैंक यू.